आप सभी लोगों ने वंडर किया होगा कि एक वेबसाइट कैसे काम करती है, तो आज इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि वेबसाइट की फंक्शनिंग कैसे होती है और मैं बहुत ही इजी तरीके से ये चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एक वेबसाइट को काम करने के लिए दो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, एक इंटरनेट कनेक्शन और सेकेंड कंप्यूटर। अब ये दो चीजें होने के बाद तीन और चीजों की आपको जरूरत होती है। फर्स्ट होता है कोड, सेकेंड सर्वर और थर्ड क्लाइंट। अब अगर सिंपलेस्ट टर्म में कहें तो एक वेबसाइट एक पीस ऑफ कोड होता है जो एक डेवलपर द्वारा लिखा जाता है। अब इसमें सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है, वो है सर्वर की। अब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहां पर फाइल्स को सेव किया जाता है और उसको इस तरीके से कॉन्फिगर किया जाता है कि रिक्वेस्ट आने पर वो फाइल्स को सेंड या रिसीव कर सके। तो सर्वर एक फैंसी नेम है एक ऐसे कंप्यूटर का जो फाइल को सेंड और रिसीव करता है। अब यहाँ पे थर्ड आइटम की बात आती है, वो है क्लाइंट। तो क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहां पर वेबसाइट्स को ओपन किया जाता है। तो आपके जो नॉर्मल लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लाइंट ही है। अब यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर्स की बात नहीं होती है, हर वो डिवाइस जिस पर एक वेबसाइट को ओपन किया जा सकता है, चाहे वो आपका फोन हो गया हो, टैबलेट हो गया हो, या कोई भी डिवाइस जिस पे एक वेबसाइट को ओपन किया जाता है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। तो आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम और डीप में जाते हैं, बट डीप में जाने से पहले गाइस आज के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कोड इजी एकेडमी। कोड इजी एकेडमी इज इनिशिएटिव बाय मी जहां पे मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं टू स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन 90 डेज। आई एम हैविंग अ फ्री ट्रेनिंग जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, गो हैड एंड रजिस्टर। तो जब भी हम एक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सर्वर पर एक रिक्वेस्ट जाती है कि ये वेबसाइट हमें चाहिए। अब सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और फाइल्स को सेंड करता है, बट ये सब करने के लिए सर्वर पर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और इन स्पेशल सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, या सिर्फ वेब सर्वर्स भी कहा जाता है। और अगर इन सर्वर्स की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल के लिए अपाचे हो गया, इंजिनेक्स हो गया, IIS हो गया, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको वेब सर्वर्स कहा जाता है और जिनको यूज किया जाता है वेब सर्वर्स पर। और ये सॉफ्टवेयर्स होने के बाद एक नॉर्मल कंप्यूटर को एक वेब सर्वर में कन्वर्ट किया जाता है। सिमिलरली जैसे एक सर्वर पर स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से जब एक वेबसाइट को आप क्लाइंट पर ओपन करते हो तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आपके क्लाइंट पर भी होती है। और जैसा मैंने आपको बताया था, क्लाइंट आपका नॉर्मल वो डिवाइस होता है जिस पर आप वेबसाइट को ओपन करते हो। अब मैं इन सॉफ्टवेयर के आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। ये सॉफ्टवेयर आप सभी ने यूज किए होंगे, चाहे सभी यूज ना किए हो, लेकिन कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपने जरूर यूज किया होगा। एग्जाम्पल के लिए आपका क्रोम एक सॉफ्टवेयर हो गया है, ठीक है, आपका ओपेरा हो गया है, फायरफॉक्स हो गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया है, एज हो गया है। ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किए जाते हैं क्लाइंट पर। तो आप फोन यूज कर रहे हो या एक पीसी यूज कर रहे हो, आपको ब्राउजर की जरूरत होती है। तो मैंने शुरू में आपको बताया कि एक वेबसाइट को कोड में लिखा जाता है। अब ये जो कोड है कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो एक वेबसाइट जो होती है उसके लिए कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस बनी हुई है, उन लैंग्वेजेस को यूज करके वेबसाइट के लिए कोड को लिखा जाता है। कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा मैं आपको वेबसाइट लिखने के लिए, और उसमें से है HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Node.js, बहुत सारी सी लैंग्वेजेस है जिसके अंदर आप एक वेबसाइट को लिख सकते हैं। अब ये कोड डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, उसके बाद इसको सर्वर पे सेव किया जाता है। फिर क्लाइंट, जब आप किसी कंप्यूटर पे डिवाइस पे बैठे होते हो, वेबसाइट का नाम जब आप URL टाइप करते हो तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है और सर्वर उन फाइल्स को सेंड करता है आपको यूज करने के लिए। उसके बाद फिर ब्राउजर उसको रेंडर करता है और उसको एक वेबसाइट के रूप में आपको दिखाता है। तो गाइस ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन कि एक वेबसाइट कैसे काम करती है। मैं और भी डीप जा सकता था बट मैं डीप नहीं गया क्योंकि ये टॉपिक और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इससे आपको समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिए कि हमें और डीप जाना है, तो किसी दिन हम इस पे और एक डीप वीडियो रिलीज करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल गो टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।